नमस्कार, चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक वार्ता के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं। दोनों नेता 11 और 12 अक्टूबर को तमिलनाडु के मामल्लपुरम में मिलेंगे। वुहान में दोनों नेताओं की पहली शिखर वार्ता के बाद दूसरी शिखर वार्ता के बीच के समयकाल में दक्षिण एशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बदलाव आए हैं। विकास की दौड़ में भले ही भारत चीन से पीछे हो, लेकिन एशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने धैर्य, दृढ़ता और विकास की अभिलाषा को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। कुछ मुद्दों को अगर छोड़ दें तो भारत और चीन दोनों को पता है कि दोनों देशों में सहयोग और समन्वय ही आर्थिक विकास की गाड़ी को तेज दौड़ाने में सक्षम है। यही कारण है कि आशंका, अंदेशा, अविश्वास और आपत्तियों के बावजूद दोनों देश समाधान की राह खोजने मामल्लपुरम में अनौपचारिक रूप से ही दूसरी बार मुलाकात कर रहे हैं। आंतरिक मामलों और सीमा विवाद पर चीनी राय और टिप्पणियों के चलते शी जिनपिंग के स्वागत में मामल्लपुरम में बिछाई गई रेड कारपेट में सिलवटे हैं। दो पड़ोसी मुल्कों के बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच हो रही शिखर वार्ता को और समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और विश्लेषक डॉक्टर रहीश सिंह जी और लखनऊ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ाने वाले अमित कुशवाहा जी। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल, आपसे ही हम बात शुरू करना चाहते हैं। थोड़ा सा एक कोशिश है कि तमाम सारे तनाव हैं, लेकिन भविष्य सुनहरा तब दिखाई देता है जब हम दोनों साथ होंगे। पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी बदला नहीं जा सकता है, ये अकाट्य सत्य है। उस पड़ोसी से संबंध कैसे हों, इस संबंध को दो बार समझने के लिए दोनों नेता बैठे हैं। दोनों के अपने राष्ट्रीय हित हैं, उन राष्ट्रीय हितों को संभालते हुए, उन राष्ट्रीय हितों को रखते हुए, साथ में रहते हुए विकास को कैसे बनाया जा सके और कैसे साथ रहा जा सके, इसको लेकर एक प्रयास है। किस रूप से मैं इस पूरे दूसरे प्रयास को आप देखते हैं? हर देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट है जी, वो दूसरे देशों के साथ हमेशा क्रैश करेगा जी। कुछ बातें हैं, जैसे कल था इमरान खान और शी जिनपिंग की मुलाकात और उसका जो स्टेटमेंट निकला था जी, कल वो भारत आ रहे हैं, चीन का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में जी, भारत अपनी तरफ से मजबूत है और भारत ने श्रीलंका और मालदीव्स को धीरे धीरे करके चीन से अलग कर दिया जहां पे चीन का बहुत ज्यादा होल्ड था। तो दोनों देशों के अपने इंटरेस्ट हैं, अपने इलाके हैं, डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, चाहे वो ट्रेड के डिफरेंसेस हो जिसमें चीन के साथ, चीन का बड़ा हाथ है भारत के ट्रेड बैलेंस में, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो जी। ये डिफरेंसेस को अलग करके कुछ काफी जगह है जहां पे दोनों देश इकट्ठे मिलके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पिछली बारी वुहान में बात हुई थी कि इंडिया और चीन इकट्ठे होके अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट लेंगे और मालदीव्स में भी ले सकते हैं। मेरे साहब एक मिनट आपको रोकेंगे, स्वर्गीय राजीव गांधी के वक्त जो है ये भी एक प्रयास हुआ था कि उन अनेक विवादित मुद्दों को किनारे करके परस्पर सहयोग और बढ़ने की बात को किया जाए, प्रयास हुआ, लेकिन वो बात बनी नहीं। अभी दो जो शिखर वार्ताएं हो रही हैं, ये दूसरी शिखर वार्ता, अगर आप कितना देखो, पॉजिटिवली देखते हैं, अगर आप देखो पिछली बारी डोकलाम को हम लोगों ने अलग कर दिया था और ये कोशिश करी थी कि बॉर्डर के ऊपर और कोई इंसिडेंट ऐसा ना फ्लेयर अप करे, हुए हैं एक दो छोटा जैसे रिसेंटली अभी पोंगयांग में हुआ था, पर ये बीच में नहीं आएगा जी। अगर आप सोच लो कि कश्मीर इस बार डिस्कस नहीं होगा जी, कश्मीर अलग रखा जाएगा जी। ना शी जिनपिंग उसका जिक्र करेगा, ना मोदी उसका जिक्र करेगा जी। तो ये जो डिस्प्यूट वाली बातें हैं जिसके अंदर दोनों देश अलग घूम रहे हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जो कॉमन इश्यूज है, जो भारत रेस करेगा, हांगकांग का है या फिर यूगर्स का जो प्रॉब्लम है, वो नहीं बीच में आएगा जी। जहां पे दोनों की सहमति हो सकती है, जहां पे दोनों के डिफरेंसेस को हम अलग करके आगे बढ़े, खास तौर पे जो बॉर्डर इश्यूज है, खास तौर पे जो आजकल बॉर्डर के ऊपर जो स्टैंड ऑफ्स हो रहे हैं जी, उनके ऊपर ज्यादा जोर होगा, ट्रेड पे जोर होगा, कोऑपरेशन पे जोर होगा जी। और जो डिस्प्यूटेड है, जो बीआरआई की बात होगी नहीं, क्योंकि भारत बीआरआई के खिलाफ है जी, हम उससे ना हिस्सा लेने जाएंगे, तो ये बातों को दूर रखा जाए जी। बिल्कुल बिल्कुल जनरल साहब, आपने ठीक कहा। रही जी, दो शिखर वार्ताओं के बीच के समय को मैंने थोड़ा सा संकेत भी देने की कोशिश की कि बदलाव ये आया है कि भारत एक दृढ़ राष्ट्र के रूप में उन समस्याओं पर जिन पर 70 सालों से विचार नहीं हुआ था, उसको एक चुटकी बजाते हुए हल करता है
और दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कहता है कि मामला हमारा था और हम ही इसका समाधान करेंगे, दूसरा कोई इस पर बात ना करे। बावजूद उसके जब यह यात्रा हो रही है, इसके ठीक पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, एक बार चीन बयान देता है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, और दूसरी बार पलट जाता है 24 घंटे में, कहता है कि नहीं, कश्मीर के जो सामरिक आंतरिक मुद्दे हैं उनसे हमारा थोड़ा बहुत लेना देना है। उसके बाद ये, जैसा मेजर साहब भी कह रहे थे, कि उन सारी चीज़ों को अलग करके, लेकिन जब कल ही इस तरह की बात हुई है, भारत ने भी उसकी प्रतिक्रिया दी कि नहीं, हमारे आप मामले में ना दखल दीजिए, उस वातावरण में कैसी वार्ता हो सकती है? आशुतोष जी, देखिए, जो आपने क्वेश्चन छोड़े उसमें तीन एंगल मुझे लग रहे हैं जी। पहला एंगल ये कि जो इमरान खान और वाजवा के जो आर्मी चीफ हैं वो पहुंचे, तो उनकी एक दूसरी क्राइसिस है जिसकी वजह से मुझे लगता वो दोनों गए, और जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान की, जिसमें कमर बाजवा साहब जो हैं वो हमको सुपरसीड करते दिख रहे हैं इमरान खान को। वैसे भी वहाँ की आर्मी सुपरसीड ही करती, बट इस समय वो दिखने लगा है जी, बिल्कुल। तो वो सोल्यूशन करना, यानी पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है और पाकिस्तान अब एक पॉलिटिकल क्राइसिस में जा रहा है, और चाइना उस पर इंटरवेंशन करके, देखिए चाइना क्या कर रहा है, वो बार बार वो एक इशू दे रहा है पाकिस्तान को जी। आप इंटरनल को इसके द्वारा ढकिए कश्मीर मुद्दे को। तो मुझे लगता है कि एक ये, दूसरा जो बयान में बड़ा एक मतलब शब्द उन्होंने यूज किया कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो दोस्ती है वो हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी, ये इंडिकेट करता है कि भारत के साथ होते हुए भी चाइना भारत के साथ नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी कक्कड़ साहब कह रहे थे कि उनका इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, लेकिन उन्हें हर चीज बेचनी कहां है? भारत। ठीक है, भारत का मार्केट अगर आज ट्रेड वार का जो दौर चल रहा है उसमें अगर आप माइनस कर दीजिए, तो चीन को हो सकता है कल सर्वाइवल का संकट पैदा होने लगे, क्योंकि उत्पादन आप अपना खपाएंगे कहां। तो भारत को उनका बाजार चाहिए। और तीसरी चीज आप देखिए, जो ईस्ट और वेस्ट में अलायंसेज बन रही हैं, चाहे वो एशिया पैसिफिक में अलायंस बन रही हो और चाहे वो होर्मुज के उधर एक अलायंस बन रही हो, तो उनमें भारत का भी एक डायनामिक रोल रहना है और चीन का भी एक डायनामिक रोल रहना है। चीन की आवश्यकता यह है कि अगर वो भारत को मिला ले जाता है तो इधर भी उसके इक्वेशन पक्ष में होगी और वेस्ट में भी उसके इक्वेशन पक्ष में होगी। तो चीन तीन मोर्चों पर, एक पाकिस्तान को साधे रहना, दो भारत के बाजार को अपने अनुकूल एक वातावरण में कन्वर्ट किए रहना, क्योंकि उन्हें मालूम है लास्ट ईयर जैसा अगर वातावरण चला तो बाजारों से बहुत सारी चीजों का बायकॉट होने लगेगा, और तीन जो सामरिक इक्वेशंस हैं पूरब और पश्चिम में, उनमें अगर वो लीड करना चाहता है तो उसे उसको भारत की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तीनों पार्ट जो है ये उसको विवश करते हैं कि भारत में वो एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश करे, बावजूद इसके कि एक दिन पहले वो अगेंस्ट द इंडियन सेंटीमेंट जो है वो बयान दे चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं, कुशवाहा जी, जैसा रईस जी ने कहा, लेकिन दो चीज़ें कूटनीतिक चालें जो होती हैं उसमें वक्त का भी बड़ा जो है महत्व होता है। ठीक शिखर वार्ता से पहले पाकिस्तान से मिलना, और भारत में शिखर वार्ता के बाद नेपाल जाना, और पाकिस्तान, नेपाल और चाइना का एक जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ के बीच में यह शिखर वार्ता कितना फ्रूटफुल रहेगी देश के लिए, और क्या रास्ते हो सकते हैं कि जहां पर हम प्रभावी तौर से चाइना को संतुलित कर सकें? देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हर राष्ट्र के अपने हित हैं, जैसा कि अभी कक्कड़ साहब भी कह रहे थे इस बात को, और चाइना भी अपनी मजबूरियाँ समझता है, जैसे कि अभी एक बिंदु रईस सर ने भी उठाया कि जो ट्रेड वार अमेरिका के साथ है तो वो अपनी भी मजबूरियों को समझता है, और एक जो भारत का एक बड़ा बाजार है जिसे अपनी अर्थव्यवस्था को, चाइना को अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले रखने के लिए उसे भारत का एक बड़ा व्यापार और बड़ा बाजार की आवश्यकता है, उस अपने व्यापार को बचाए रखने के लिए। इसी के साथ साथ जो साउथ एशिया में जो रीजनल डायनामिज्म है, इसमें भारत और चाइना और अपनी किस तरीके से अपनी भूमिका को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए भी चीन और भारत दोनों ही प्रयासरत हैं एक लंबे समय से। जैसा कि आपने कहा कि
इस तत्कालिक शिखर वार्ता के पश्चात वो नेपाल का ऐसा है, तो निश्चित तौर पर उस साउथ एशिया में चाइना अपने आप को ठीक से सिचुएट करना चाहता है, अपने नेबरिंग स्टेट के साथ, अपने व्यापारिक संबंधों के साथ साथ पाकिस्तान के बावजूद जानते हुए कि उसकी माली हालत कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी स्थिति कैसी है, और कश्मीर के खासकर मुद्दे में पूरे विश्व में जिस तरह का एक माहौल पाकिस्तान के खिलाफ बना है, वो स्थिति को चाइना भी अच्छी तरीके से समझता है। इसके बावजूद भी चाइना को भी उसे संभाल कर रखना है, क्योंकि उसके आर्थिक हित चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। तो कई सारी ऐसी इक्वेशंस हैं साउथ एशिया में जिसमें दोनों ही देश, क्योंकि ये आने वाले भावी समय में दोनों देश एक शक्तिशाली राष्ट्र हैं, एक दो बड़ी जनसंख्या है, दो बड़े व्यापारिक केंद्र हैं। जी, मैं डॉक्टर रहीस से एक सवाल करना चाहता हूं, उसके बाद सामरिक मुद्दों पर कुछ जनरल साहब से। एक सिनेरियो बना 2008 के बाद जब वैश्विक मंदी जो है समाप्त हुई और प्रतिस्पर्धा का वो वक्त पैदा हुआ, और अगर हम कहें कि भारत और चीन दोनों जो है साथ साथ उदय जो है उनका हुआ है, और एक सच्चाई है, ठीक है वो तेज चाल में और उसने ज़्यादा रास्ता तय किया है, बावजूद उसके अब दक्षिण एशिया की जो स्थिति बन रही है उसमें दक्षिण एशिया का नेता कौन होगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रतिस्पर्धा इस प्रकार की है तो एशिया का कौन नेतृत्व करेगा, और प्लस पूरी दुनिया कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीन को कि पश्चिमी देश जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दक्षिण एशिया को जिस तरह से नेतृत्व या संभालना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आशुतोष जी, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उसमें दो तीन बातें आती हैं। जब 2008 की अभी आपने मंदी का जिक्र किया, उस समय भी वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ने एक बात कही थी कि जो इकोनॉमीज हैं वो डिकपल हो गई हैं, मतलब अब जरूरी नहीं कि अमेरिका लीडर नहीं रह गया तो फिर सारी इकोनॉमी जो है वो बिना किसी नेतृत्व के रह जाएंगी, और उन्होंने इशारा किया था कि अब ये लीडरशिप जो है वो एशिया की तरफ जाएगी और इसको इंडिया और चाइना जो है वो लीड करेंगी। एक बात ये, दूसरी बात ये देखिए कि उसके बाद से जब हम चलने शुरू किए तो हमने भी एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को प्राप्त किया। ये तो जो रिसेशन है, अभी कल IMF ने एक प्रेस वार्ता की है जिसमें उन्होंने सीधे संकेत किया है पूरा विश्व जो है वो रिसेशन में है। तो जब रिसेशन से निकलना होता है, रिकंस्ट्रक्ट करना होता है, तो हमें ज्वाइंट वेंचर्स पे जाना पड़ेगा। अकेले ना तो कोई देश कर सकता है, ना कोई मार्केट कम्युनिटी कर सकती है, और उसमें सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी तथा सर्विस के क्षेत्र भी एशिया में यही दो देश बनते हैं। अब जो तीसरी बात आपने कही, साउथ एशिया को लीड कौन करेगा, देखिए ये आपको ध्यान होगा, ओबामा जब चाइना गए थे तो उन्होंने चाइना को कहा था कि आप लीडरशिप करें, चाइना साउथ एशिया को लीड नहीं कर सकता है। लेकिन चाइना की एक कोशिश है कि साउथ एशिया में जो इंडिया लीड करने की स्थिति में पहुंच रहा है उसको वीक करो या उसको काउंटर करो। यही कारण है कि देखिए उसने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान इनको पकड़ रखा है। अफगानिस्तान में वो भारत से साझेदारी करना चाहता है, लेकिन आज श्रीलंका हमारे साथ है, अगर हमारे साथ फुल्ली नहीं है तो चीन के साथ बिल्कुल नहीं है। मालदीव की गवर्नमेंट एंड सिस्टम पूरा प्रो इंडिया है। बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना वाजिद की सरकार है वो इंडिया के साथ, और इंडिया जिस तरह से अभी भी आप देखिए एक उनके साथ फॉरवर्ड ट्रैक पे जो चल रहा है मुझे लगता है वो ठीक है। और भूटान हमारे साथ है, तो भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया, तो चार कंट्री साथ में से तो मेरे साथ हैं। अब रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भी भारत के साथ है, उसके अगेंस्ट नहीं, तो पांच हो गए। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री बचता है जो हमारे साथ ना था ना होगा, और नेपाल जो है वो डायलमा में है, चूंकि ओली की गवर्नमेंट जब से आई तब से वहां पर प्रो चाइना प्रो कम्युनिज्म जो है ये ज्यादा तेजी से मोटिवेट हो रहा है, और इंडिया के पक्ष में थोड़ा वो कम कंसीडर कर रहे हैं। तो इन हिसाब से लगाएं तो बहुमत तो भारत के साथ है जी। अब ये जरूर है कि जिस तरह से चीन चेकबुक डिप्लोमेसी अपना रहा है कि हमारे नेबर्स कंट्रीज को बड़े बड़े लोन दे करके उनको अपने पक्ष में कई सारे कई सारे सावधानियां भी इसमें है, जैसे श्रीलंका में आपका बंदरगाह के साथ हुआ जो इनका इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से पाकिस्तान में इन्होंने बनाया।
वो आगे भी बढ़ रहा है। हम्बन टोटा के साथ वो कोलंबो, आप देखिए बांग्लादेश में वो छटगांव के साथ पैराडी, तो ये कर रहा है। लेकिन ये हमको उनको अवेयर करने की भी जरूरत है, हमें उन्हें फाइनेंस और चीफ फाइनेंस देने की भी जरूरत है। हमने कई जगह लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा दी है इन देशों को, तो हमें कहीं ना कहीं से उनकी सोशल इकोनॉमिक डायनामिक्स को बदलना पड़ेगा। जब हम बदल लेंगे तो हम ही लीडर होंगे। कक्कड़ साहब, कई बार इस बात को लेकर के चिंता होती है कि हम कितना जो है अब चाइना के साथ मुकाबला करने के लिए व्यापारिक स्तर पर और सामरिक स्तर पर तैयार हो पाए हैं। व्यापारिक स्तर पर जहाँ तक है कि हम एक बड़े बाजार के रूप में हैं और साथ में हम उनको क्या कुछ दे सकते हैं ऐसी स्थिति में भी हैं, लेकिन सामरिक स्तर पर कितना कुछ हमारा, क्योंकि ताकत जब बराबर होती है तो समझौता मजबूत होता है। चीन को, अगर चीन के खिलाफ कोई देश खड़ा हो सकता है पूरे एशिया में जी, वो भारत है जी। चाहे इकोनॉमी बोलो, चाहे मिलिट्री स्ट्रेंथ बोलो, चाहे डिप्लोमेसी बोलो जी, जितना हमारा नेशनल पावर है चाहे चीन से कम है, पर चीन के मुकाबले हमारे अलावा और कोई देश है नहीं जी। दुनिया को ये पता है जो चीन के खिलाफ देश है, चाहे वो जापान हो, चाहे यूएस हो, जो भी देश है, चाहे ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, वो सब इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं जी। चीन को बैलेंस करने के लिए इंडिया के साथ मिलना बहुत जरूरी है। चीन को पता है कि इंडिया, चाहे जितनी हमारी दोस्ती होगी, इंडिया एक कॉम्पिटिटर है, इंडिया एक चैलेंजर है, और इंडिया को वो आराम से, या जैसे 62 में था या कभी था, इतना आसानी से राइट ऑफ नहीं कर सकता। इसीलिए चीन ने हमेशा पाकिस्तान को प्रॉप अप किया है, चाहे उनको मिलिट्री सपोर्ट दी है, चाहे इकोनॉमिक, चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट, कि वो इंडिया को काउंटर करे। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स भी चाइना से शुरू से आया है, तो पूरा सपोर्ट जो उनको मिला है उनको चाइना से मिला है। चाइना को ये पता है कि वो, इसीलिए जो ये मीटिंग होगी, ये दो तकरीबन इक्वल्स की मीटिंग होगी, अच्छा, मोदी और जी की जी। उनको पता है कि हमें वो राइट ऑफ नहीं कर सकते जैसे बाकी देश है, हमें उनसे कोई लोन्स नहीं चाहिए, हमारा उनसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज इंडिया बाकी देशों को चाइना के साथ कंपीट करके, चाहे जितना क्वांटिटी चाइना दे रहा है उतना नहीं, पर उनसे कम देकर और बेटर टर्म्स और कंडीशंस के साथ उनको डेवलप करने के लिए मदद कर सकता है। चाइना जब लोन देगा कुछ बनाने के लिए बीआरआई प्रोजेक्ट में, तो वर्कफोर्स चाइना से आएगी। इंडिया जब देगा तो लोकल वर्कफोर्स होगी, तो आजकल जो साउथ एशिया के देश है वो इंडिया की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। और चाइना को इतना पता है कि जहां तक नेपाल का सवाल है, अभी जो पाइपलाइन ले कर सकते, अभी ले किया है हमने, उसके अलावा नेपाल का पूरा बैकिंग कोलकाता पे है, चाइना से आ नहीं सकता। वो इंडिया के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो कभी ड्रॉप नहीं कर सकते, चाहे चाइना के पास जाए, चाहे चाइना से लोन्स ले ले। अल्टीमेटली इंडिया के बिना नेपाल का सर्वाइवल है नहीं। जो उनका 2 साल पहले जो ब्लॉकेड हुआ था, उससे नेपाल को पता लग गया है कि आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये स्थिति है साउथ एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, एशिया पैसिफिक पूरा रीजन ले लो, आजकल जो इंडो पैसिफिक कहते हैं, उसमें इंडिया एक मेजर कॉम्पिटिटर है चाइना के लिए। तो चाइना को ये माना, उन्होंने मान लिया है कि कोई कुछ भी हो, हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। हम डिफरेंसेस होगी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहेगा, इंडिया वो पुशओवर देश नहीं है जो हमने 62 में समझा, उन्होंने 67 में समझ लिया, और आजकल जितने, चाहे डोकलाम हो, चाहे पोनयांग हो, उनको ये पता है कि इंडिया उनको आगे बढ़ने नहीं देगा। बिल्कुल। तो ये स्थिति के साथ वो मानकर आगे चल रहे हैं कि हम दो इक्वल देश हैं, और दोनों इक्वल देश जब कल बैठ के बात करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो डिफरेंसेस छोड़ के सही बातों पे आगे आएगा। बिल्कुल, बहुत सही आपने जनरल साहब बताया कि जो स्थितियां हैं रईस जी, कि हम उनकी बराबरी में हैं, और बराबरी में हैं, उनके सामने खड़ा हो सकते हैं, उनको चुनौती दे सकते हैं, और जो उन्होंने सीमा विस्तार का जो है उनका साम्राज्यवादी सोच रहती है उस पर नकेल डालने में सक्षम है। ट्रेड पर बात होगी कल, झंझट की बात नहीं होगी, झगड़ों की बात नहीं होगी, लेकिन ट्रेड को लेकर के भी वक्त ऐसा है कि जब अमेरिका और चाइना में ट्रेड वार छिड़ा हुआ है, भारत अपनी संभावनाएं, अपने हित अमेरिका में भी तलाश रहा है, भारत अपने हित अपने देश में भी संभाल रहा है, और उसके साथ चाइना से कितना कुछ जा करके वार्ता होनी चाहिए और अमेरिका को भी साथ रखना चाहिए, बड़ा एक हम कहें कि बड़ा कठिन सा वो रास्ता है, क्या कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर आप हम अमेरिका की तरफ से चलते हैं,
अमेरिका आज के दौर में एक बड़ा ही मतलब ऐसा वहाँ नेतृत्व है कि समझ पाना ये मुश्किल हो गया है कि कल वो क्या करने वाले हैं या किस तरह के निर्णय ले लेते हैं। तो हम अमेरिका को ना तो ये कह सकते हैं कि भाई हमारे उनके साथ कोई बहुत बड़े डिफरेंसेज हैं, ना ही ये कह सकते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी उनकी मित्रता है। दूसरी चीज अगर आप देखिए कि अमेरिका ने चीन की मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जो डिजिटल डिवाइसेज हैं, उनको बंद कर दिया है। अब चीन का होप कहाँ है? भारत में। हम अगर खरीदना बंद कर दें तो क्या उनका सिंगापुर खरीदेगा, साउथ कोरिया खरीदेगा, जापान खरीदेगा? कोई खरीदने वाला नहीं है। तो सब खुद बनाते हैं। इंडिया सबसे बड़ा इस मामले में विश्व का बाजार है, तो चाइना एक व्यापारी है और हम अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि हम बाजार हैं, तो इस स्तर पे भी चाइना भारत को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो ट्रेड पर फोकस करता है, वो लव एंड हेट गेम वाला है, तो यहाँ वो केवल प्यार और प्यार ही करता है। दूसरी चीज आप लीजिए कि जो ट्रेड वार होने जा रहा है या जो चल रहा है, जिसमें हम चल रहे हैं, ये केवल ट्रेड वार तक सीमित नहीं रहना। आप ध्यान दीजिए ये चला कहां से, जिसका अभी इशारा कक्कड़ सर कर रहे थे कि आपने BRI प्रोजेक्ट बनाया। बिल्कुल। भारत पहला देश है जिसने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि आपके BRI प्रोजेक्ट में हमारे लिए दो चैलेंज हैं, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक, इसका नेचर कॉलोनियल है, औपनिवेशिक है, ये किसी देश ने नहीं कहा। और दूसरा कहा कि आप इसमें संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं, आप सिपेक को निकाल रहे हैं, आपने हमसे परमिशन नहीं ली, हमारा कंसर्न आपने नहीं जाना, तो ऐसे किसी प्रोजेक्ट में हम आपके शामिल नहीं होंगे। अब तीसरा आता है सामरिक, क्योंकि भारत के साथ लगाया जाता है कि आप किस है, मैरीटाइम पावर या कॉन्टिनेंटल पावर। भारत को अब कॉन्टिनेंटल पावर अगर दिखाना है और मैरीटाइम पावर यानी सामुद्रिक शक्ति और जो सरफेस की शक्ति है, तो उसमें हम चीन को अभी चैलेंज नहीं करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी है हम चीन के साथ चलेंगे और चीन के साथ चलकर हम इन दोनों क्षेत्रों में अपनी पावर को प्रूफ करेंगे। जिस दिन हम प्रूफ कर लेंगे उस दिन के बाद, राइट आप तो वो आज भी नहीं कर सकता, लेकिन हमें उसको ओवरटेक करने की पॉलिसी बनानी होगी, उससे आगे निकलने की। बिल्कुल बिल्कुल कुशवाहा साहब, दो दिन की वार्ता होगी, आपने वुहान का सम्मेलन शिखर वार्ता भी देखी थी, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है इस दो दिन की वार्ता में? देखिए, डिफरेंसेस पे तो हम बात कर ही रहे हैं, और डिफरेंसेस चाहे वो सीमा के विवाद हो, चाहे डोकलाम का विषय हो, चाहे अभी 370 धारा हटाने का कश्मीर का तत्कालिक मुद्दा हो, ये तमाम डिफरेंसेस तो हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चाइना एक अच्छा व्यापारिक देश रहा है, वो अपने आर्थिक हितों को बहुत अच्छी तरीके से समझता और जानता है, और वो जानता है कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ा बाजार है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था में उसके हित किस तरीके से साधे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए आर्थिक समृद्धता और आर्थिक एकीकरण और आर्थिक एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को किस तरीके से बढ़ाया जाए और किस तरीके से नए नए दूसरे विन्यास तलाशे जाएं आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए, दोनों देश आपस में कल दो दिन की जो शिखर वार्ता है उसमें इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। कक्कर साहब, मात्र 30 सेकंड में अगर समअप करने के लिए हम कहें, निगाहें पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की हैं, अमेरिका खास तौर पर कल होने वाले, अगर हम समझें कि ट्रेड की बातों पर उसकी खास तौर पर निगाह होगी, कैसे संभाला जा सकता है चाइना के साथ संबंध भी और अमेरिका को भी? चाइना के साथ और अमेरिका के साथ दो अलग अलग दिशाएं हैं जी। जो हमारा और अमेरिका का है वो चाइना के साथ बीच में नहीं आएगा जी। जो इंडिया चाइना के साथ जो डिस्कशन होगा वो अमेरिका के बीच में नहीं आएगा। अगर सिंपल आपको समझना है, यूएन के टाइम जब UNGA में मोदी और जयशंकर थे, उन्होंने ब्रिक्स का समिट अटेंड किया चाइना के साथ, साथ साथ उन्होंने क्वाड का समिट अटेंड किया अमेरिका के साथ, दोनों को अलग अलग दिशा में रखा और बीच का लाइन लिया, एग्जैक्टली वही हम कल करेंगे। बिल्कुल रही जी, मेरी समझ से जो आज का दौर है और जिस जो कल निर्णय होने हैं, भारत और चाइना ये तय करेगा कि अगर हमें विश्व को लीड करना है, हमें पश्चिम को काउंटर करना है, तो आपको मेरे साथ और मुझे आपके साथ लेकर के चलना होगा। इन बिटवीन ना ही अमेरिका आएगा, ना यूरोपियन कोई पावर आएगी, ना उसमें पाकिस्तान आना चाहिए और ना कोई अन्य पड़ोसी देश। मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा फोकस करेंगे दोनों नेशन, ये बिटवीन द लाइंस है। बिल्कुल कुशवाहा साहब, मुझे लगता है कि कल सामंजस्य और संभावना की तलाश होगी और उन तमाम एशिया का एक नया समीकरण बनते हुए देखने को मिलेगा, और
जैसा कि बहुत अच्छी बात अभी रईस साहब ने कही कि पश्चिम को अगर काउंटर करना है तो चाइना को भी अपनी स्थिति को समझना होगा, भारत को भी अपनी स्थिति को समझना होगा, और उन दोनों को अपनी एक संभावनाओं और जो प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता है, उसको निकाल कर एक नए बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई ऐसे मौके होते हैं जिन मौकों पर कोई संप्रभु राष्ट्र अगर चल उस अवसर का फायदा उठाता है तो निश्चित रूप से उसके उसकी इज्जत में और उसकी ताकत में बढ़ोतरी होती है। चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है, उससे संबंध अच्छे हों ये हमारे लिए भी बेहतर है और निश्चित रूप से चीन के लिए भी बेहतर है, और उसमें एक नई संभावना की तलाश में जब कल दोनों देश के नेता बैठेंगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छे सुबह होगी, एक अच्छे संबंधों का विकास होगा, तनाव कम होंगे और एक नई दुनिया का निर्माण होगा। आप सारे लोग स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ओके, थैंक यू।